हेलो फ्रेंड्स, लव अफेयर पर डिस्कस करते हैं। लव अफेयर एस्ट्रोलॉजी में कैसे पता करते हैं और कब कब अफेयर होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा। तो सिंपल सा कॉम्बिनेशन है 5 8 12। अब ये कॉम्बिनेशन अगर है प्लैनेट में और दशा में है तो लव अफेयर होगा। 5 8 हो या 5 8 12 हो, 5 8 12 हो तो पक्का होना होना 100% होगा होगा। 5 8 है तब भी होगा, लेकिन वो स्कैंडल नहीं होगा, सबको पता नहीं चलेगा। बट 5 8 12 में तो 100% लव अफेयर होगा ही होगा। तो ये कॉम्बिनेशन सिंपल कॉम्बिनेशन है, इसका कोई एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है। ये प्लैनेट हैं, बता रहे हैं ये, तो फिर है, ठीक है, दैट्स ऑल। अब किसके साथ होगा, कैसे होगा, तो वो सिंपल सा फार्मूले हैं। सन अगर बता रहा है तो फिर गवर्नमेंट पर्सनैलिटी से होगा, अच्छे पर्सनैलिटी से होगा, अपने से हाई लेवल के स्टेटस से होगा। मून है तब भी ऐसे ही है, सेम हाई स्टेटस, हाई पर्सनैलिटी एज़ कम्पेयर टू जो सेल्फ पर्सनैलिटी है। मार्स अगर बता रहा है मंगल, तो फिर मैन इन यूनिफॉर्म या स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में होगा, या विधवा के साथ हो सकता है, बैरन लेडी के साथ में हो सकता है। तो इस तरीके से ये मार्स का है। मरकरी तो अपने से छोटा स्टूडेंट हो सकता है, या अपने से एज में छोटा होगा, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। बिजनेसमैन भी हो सकता है, भाई बिजनेसमैन हो या छोटा हो तो फिजिकली तो छोटा ही, तो पहली कंडीशन है छोटा होगा। फिर जुपिटर टीचर के साथ होगा, जुपिटर टीचर, कंसल्टेंट कोई भी, या कोई भी एडवाइज़र, तो कोई भी कंसल्टेंट एडवाइज़र या कोई भी जो ये काम करता है, तो जुपिटर अगर है बता रहा है तो ये होगा। एक प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, अगर दो तीन प्लेनेट बता रहे हैं तो फिर पक्की बात है, फिर तो होगा ही होगा। जैसे मान लो सन भी बता रहा है, मार्स भी बता रहा है, जुपिटर भी बता रहा है, तो तीन बता रहे हैं तो फिर दशा भी चल रही है, अंतरा भी चल रहा है, तो फिर आप समझ ही सकते हो। जुपिटर में खास बात और है, जुपिटर ड्यूअल नेचर का, यानी एक के साथ एक फ्री मॉडल है, यानी दो लव अफेयर होते हैं। और मरकरी अगर है तो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल माने बहुत सारे। वीनस अगर है और लव अफेयर बता रहा है तो मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी के साथ होगा। सैटर्न अगर है तो अपने से ऊंची एज वाले के साथ होगा और लो स्टेटस के साथ होगा, उसका स्टेटस सबसे लो होगा, एज ज़्यादा हो सकती है, आउट ऑफ कास्ट भी हो सकता है। तो ये सैटर्न का है। राहु केतु अगर बता रहे हैं लव अफेयर तो अचानक होगा, अचानक मीन्स फॉल इन लव वाला केस, बहुत जल्दी जो हो जाता है, तो राहु केतु वाला सिग्निफिकेशन है। राहु केतु अगर बताते हैं लव अफेयर तो इस तरीके से होता है, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन, तो ये सारे राहु केतु में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मान लीजिए आपके बहुत सारे प्लैनेट बता रहे हैं, राहु केतु बता रहा है, सन बता रहा है, मून बता रहा है, मार्स, जुपिटर, मरकरी, ठीक है, पांच छह प्लैनेट अगर हो गए तो फिर वो इवेंट 100% घटित होगी, उस इवेंट को आप फिर डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक्स होते हैं और इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई इवेंट यदि बताई जा रही है एस्ट्रोलॉजी में तो वो होगी या नहीं होगी, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इवेंट को एसेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं उसका। इवेंट कोई भी हो सकती है, कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, कॉम्बिनेशंस वो दशा में भी होने चाहिए, प्लैनेट वो बता रहा है वो भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही लेसन्स को आप देखते रहिए। थैंक यू।